स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। आधार और पैन कार्ड से जुड़ी कुछ खास बातों का ख्याल नहीं रखा तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच लोगों की जरूरतों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में तत्काल ई पैन कार्ड बनवाने की सुविधा पेश की है। इससे नया पैन कार्ड बनवाना न सिर्फ आसान हो गया है बल्कि इसके लिए किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है और ये सुविधा मुफ्त है। आयकर विभाग के मुताबिक नए ई पैन कार्ड को पुराने लैमिनेटेड पैन कार्ड के बराबर माना गया है। हालांकि आयकर नियमों के तहत हर कोई ई फाइलिंग पोर्टल से नया पैन बनवाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में ई पैन कार्ड बनवाने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड मौजूद है वो तत्काल ई पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर आवेदन कर नया पैन कार्ड बनवा भी लिया और आपके पास दो पैन कार्ड पकड़े जाते तो आयकर अधिनियम की धारा 272(b)(1) के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आपके पास आवेदन के लिए वैध आधार भी जरूरी है। आयकर विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सभी पहचान संबंधी विवरण प्राप्त करने और EKYC पूरा करने के लिए जानकारियां मांगता है। आवेदन के दौरान किसी भी फॉर्म को ना तो भरने की जरूरत है और ना ही दस्तावेज जमा करने की। और बात की जाए EKYC की तो इस सुविधा के लिए सिर्फ आधार कार्ड होना काफी नहीं है। दरअसल मोबाइल नंबर को 12 अंक के संख्यात्मक पहचान संख्या से जोड़ा गया है। आयकर विभाग लिंक्ड फॉर्म मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड भेजता है जिसके बिना EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि आवेदन करने से पहले आप ये जरूर जांच लें कि आपकी जन्मतिथि आधार कार्ड की डाटाबेस में DDMMYY यानी डेट मंथ ईयर के प्रारूप में है या नहीं। कुछ पुराने आधार कार्ड में केवल जन्म का साल होता है न कि जन्म की पूरी तारीख। यदि ऐसा नहीं है तो आप जरूरत पड़ने पर इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन बदलवा भी सकते हैं। इसके साथ ही तत्काल ई पैन के आवेदन की सुविधा के लिए जरूरी है कि आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। इसके अलावा यह सुविधा केवल व्यक्तियों, कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों यानी HUF और साझेदारी कंपनियों आदि के लिए ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए OK Credit। OK Credit, भरोसा व्यापार का।